रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। आज हम वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं, तो बच्चों को तो बहुत पसंद होता है, बड़ों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, पास्ता हमें चाहिए इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का पास्ता हमें चाहिए। मैंने 3 कप लिए हैं, और अगर इसको मेजरिंग करें तो ये 200 ग्राम है। ठीक है, 200 ग्राम मैंने पास्ता लिया है। थोड़ा सा जो है ना, आखिर में ये ओरिगानो जाएगा। 2 कप हमने दूध लिया है, ऑयल भी जाएगा 2 टेबलस्पून के करीब। 2 टेबलस्पून हमने जो है लिया है वो मैदा, 2 से 3 टेबलस्पून मैगी ले लें, मक्खन ले लें, बटर सॉल्टेड ले लें। अच्छा, नमक इसमें 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम जाएगा। 1 टीस्पून चिकन पाउडर जाएगा। चिकन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो मत डालें। और इसमें काली मिर्च नहीं जाएगी, सफ़ेद मिर्च होती है, बिल्कुल काली मिर्च की तरह की होती है, तो इसको वाइट पेपर बोलते हैं। ये भी पीसी भी मिल जाती है बाज़ार में इजीली, इसको वाइट पेपर बोलते हैं। और 1/2 कप जो है वो शिमला मिर्च, और 1/2 जो कप है वो गाजर जाएगी, इस तरह बारीक बारीक कटी हुई। ये देखें इसकी, इसका साइज़ देखें कितना छोटा है, कटिंग में बिल्कुल छोटे छोटे से स्क्वायर में चॉप्ड किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, और इसमें चेडर चीज़ चाहिएगी। चेडर चीज़ हम ये वाली यूज़ करेंगे, और ये 140 ग्राम की है। ये हम 1/2 पैकेट यूज़ कर लेंगे, यानी कि 70 ग्राम हम इसको निकाल के हम इसका 1/2 पैकेट यूज़ करेंगे चेडर चीज़ का। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। वन टीस्पून के करीब नमक जा रहा है इसमें, और जो वो 1/2 टीस्पून से भी कम जो मैंने नमक लिखवाया है वो इसमें नहीं जाएगा, वो उसमें जाएगा पकाने में। इसमें 1 टेबलस्पून के करीब हम ऑयल शामिल कर देंगे ताकि वापस में चिपके नहीं, और हम इसमें पास्ता बॉईल कर लेते हैं। इसको 6 से 8 मिनट तक हम बॉईल करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। पास्ता बॉईल हो गया है, अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, चूल्हा बंद करके ना इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेते हैं। अब हम वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। मक्खन हमने शामिल किया, और कहाँ गया मेरा ये रहा चम्मच, और इसी में हमने मैदा शामिल किया 2 टेबलस्पून। इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। ये देखिए मैदा जो है वो भुन चुका है, अब हम इसमें दूध शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ में चम्मच चलाते रहना ताकि जो है ना गुठलियाँ ना बने। देखें मैदा और जो दूध मक्खन में हमने पका लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेडर चीज़ और सफ़ेद मिर्चें, चिकन पाउडर और नमक, ध्यान से नमक डालें, नमक होता है इसमें, चेडर चीज़ भी थोड़ी नमकीन होती है, और वो पास्ता भी हमने नमक डाल के उबाला है। तैयार हो गया वाइट सॉस, तो अब क्या करते हैं, अब चूल्हा बंद करके अब हम इसको उतार लेते हैं। अच्छा, अब हम कढ़ाई में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल करेंगे, और इसमें गाजर और शिमला मिर्च को सौते करेंगे, हल्का सा इसको ना। देखिए 1 मिनट हो गया हमने इसको मिक्सिंग की है ऑयल में। अब हम इस टाइम पे पास्ता और वाइट सॉस डालके इसको मिक्सिंग करेंगे। देखिए मिक्स हो गया, और हम इसको बॉल में निकाल के बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये पास्ता।
तैयार हो गई। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगैनो और छिड़क लें ताकि इसकी खुशबू अच्छी आ जाए और खूबसूरती भी आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तैयार हो गए। हूँ मैं तुम पंजाबी दस लगी हाँ कि मैं ना पास्ता लिया 200 ग्राम 200 ग्राम पास्ते के ना मैं उन्होंने बॉयल करके ते तेल ते नमक पा के मैं बॉयल कर लिया सी। ते उस तो बाद मैं वाइट सॉस तैयार कर लिया। वाइट सॉस के मैं मक्खन के 2 चम्मच मैदा पा के उन्होंने भुनिया, दूध पा के उन्होंने पका लिया, सफेद मिर्च ते नमक ते चैडर चीज़ पा के चिकन पाउडर पा के उन्होंने पका लिया, उन्होंने भी साइड पर करता। उस तो बाद मैं जरा ना गाजर ते शिमला मिर्च जी तेल पा के ना थोड़ा सारा उन्होंने भी सौते किया, तो मिक्स किया सारी चीज़ा तमाम चीज़ों आखिर चो मिक्स करके ओरिगैनो पाता है। इन्ना ईजी, इन्ना आसान है और इन्ना मज़ेदार खुशबू देना कि जब महक उठा है। तो जरूर ट्राई करना, मैं जरूर दुआ याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।